नवादा जिला के बारसलीगंज स्टेशन परिसर के बगल में विष्णु मंदिर में है, और विष्णु मंदिर में ही दो प्रेमी जोड़े का जो है आज शादी करवाई गई है। देख सकते हैं, सबसे पहले हम दूल्हे से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कहाँ का रहने वाले हैं, और मंदिर परिसर में आकर जो है दोनों की शादी हुई है तो कैसे कैसे दोनों के साथ जो है क्या क्या हुई है इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा? उज्ज्वल साहिब। कहाँ के रहने वाले? रांची के। रांची से आके नवादा में शादी किए हैं, इतना दूर अपनी दुल्हनिया को भगाकर कैसे लाए? बस से। बस से? अच्छा, बस से रांची से अपनी दुल्हनिया को नवादा लेकर आए और नवादा के विष्णु मंदिर में शादी की। जी। दुल्हन से खुश? जी। कितना दिन से ये प्रेम प्रसंग चल रहा था? कुछ लंबा था जी, कुछ लंबा था। ये थोड़ा सा लग रहा है कि मुंह लटकाए हुए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अंदर से बोलिए कि हाँ हम खुश हैं। हम खुश हैं। थोड़ा सा कंधा पर हाथ रख के बोलिए, दोनों पति पत्नी साथ में रहिए, एकदम पति पत्नी साथ में। और ऑन कैमरा बोलिए कि हम जो ये शादी से खुश हैं। हम इस शादी से खुश हैं, है ना? है। कब से ये दोनों का प्रेम चल रहा था, क्या बताए? 16 से 18। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन सा क्लास में? पीजी की हैं। पीजी के लिए हैं? पीजी करके जो है ये कहीं जॉब वगैरह का भी ध्यान? नहीं नहीं, पहले शादी उसके बाद जो है ये नौकरी करना है ना? नहीं, अभी तैयारी तो कर ही रहे थे। तैयारी कर रहे हैं जी। देख सकते हैं अभी जो है मंदिर परिसर में ही है और दुल्हनिया है, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस दूल्हे के बारे में इनका क्या प्रतिक्रिया आता है। क्या नाम हुआ? सबनम कुमारी। ऊंची आवाज में? सबनम कुमारी। सबनम कुमारी, आप अपने दूल्हे को लेकर रांची से नवादा आ गए, कैसे आए? क्या सोच कर आए? उधर मंदिर नहीं मिला था? नहीं है, यहाँ पे घूमने के लिए भी आए। घूमने के लिए आए थे दोनों प्रेमी जोड़ा जो है नवादा के, नवादा स्टेशन कह सकते हैं, नवादा जिला के बारसिंगा स्टेशन पर आते हैं और साथ में दोनों जो है कह सकते हैं घूमने के लिए आते हैं। फिर मामला घूमने के, ये शादी में कैसे तब्दील? शादी भी करना, शादी घूमने के लिए आते हैं, फिर शादी कैसे हो जाता है? शादी भी करने के लिए बोले थे। अच्छा, ये बोले थे कि शादी करने के लिए चलना है और यहीं जो है शादी हो जाता है, फिर आप बता रहे थे कि लड़का जो है भागा जा रहा था, पता नहीं क्यों। देख सकते हैं ये अभी जो है दोनों का हम बयान ले रहे हैं, स्थानीय प्रशासन है ये दोनों को ले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों का कहना है कि हम जो है ये शादी से खुश हैं। बाकी देख सकते हैं अपना बैग, अपना मोबाइल, सारा चीज़ जो है लेकर दुल्हनिया जो है जा रही हैं। क्या हुआ? किसका परिवार है? बाकी यहाँ जो स्थानीय लोग हैं कैसे कैसे जो है दोनों को देखते हैं, और जैसा कि दोनों बताते हैं कि जो है यहाँ घूमने के लिए आए थे और उसके बाद जो है दोनों को जो है स्थानीय लोग देखते हैं, उसके बाद जो है दोनों की शादी करवा देते हैं। देख सकते हैं पुलिस प्रशासन कहें तो 112 की टीम जो है यहाँ आ गई है, सामने दिखाइएगा। देख सकते हैं ये दृश्य जो है नवादा जिला के बारसलीगंज स्टेशन से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी तमाम दृश्य, तमाम ये नए जोड़े के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। और देख सकते हैं 112 की टीम जो है पहुंच चुकी है और स्थानीय प्रशासन जो है आ चुके हैं और दोनों को जो है थाना लेकर जाएंगे और वहां जो है दोनों की मामला को समझेंगे। बाकी तमाम जो दृश्य देख सकते हैं, कोर्ट मैरिज होना चाहिए सर, है ना? यही देख सकते हैं, यही युवक है जो यहां देखे। क्या क्या देखे थे आप? हम तो देखे लड़की रो रही थी, आई लड़का भाग रहा था। हाँ, अच्छा, लड़की बताई कि लड़का जो है यहाँ हमको घूमने के लिए लाता है ना, उसके बाद सारा दृश्य जो है हम अपने कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और लड़का जो है मैरिज होना चाहिए सर, कोर्ट मैरिज। हाँ, लड़की एकदम इंसान लड़की है। हाँ, आई लड़का चोर जैसा लग रहा है, देखिए इसका वीडियो अभी भी। ये लड़का तो बता रहे शादी से खुश खुश है, देखिए आगे भगवान हमको तो लगता है खुश रहे हमेशा। तो देख सकते हैं आगे तमाम जो दर्शक, सिंगल स्टेशन के बगल में ये मंदिर है और तमाम दर्शक जो है इसे देखने के लिए जो है व्याकुल हो गए हैं, काफ़ी मात्रा में लोग जो है यहाँ उपस्थित हो गए हैं और नए दुल्हा एवं दुल्हन को देखने के लिए यहाँ जो है काफ़ी मात्रा में लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ लोग जयकारा भी देख सकते हैं लगा रहे हैं और नए जोड़े के बारे में जो है आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? अक्सर देखा जाता है कि प्रेमी जो है छुप छुप कर मिला करते हैं और लोग देखते हैं और पकड़ कर जो है उनका शादी करवा देते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो भी जो है लोग बना लेते हैं और वायरल हो जाता है और छुप छुप कर मिलने का जो मज़ा होता है वो तो उठाते हैं, लेकिन अंत में क्या परिणाम होता है वो भी जो है आप देख सकते हैं। बाकी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।